Hey guys, welcome to my channel and I hope you all are doing great. So, आज ना हम लोग करने वाले हैं होम वर्कआउट. जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी मैं घर आई हुई हूँ पटना, और घर में खुद को फिट रखना कितना चैलेंजिंग होता है सब जानते हैं. घर में एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी जगह भी नहीं मिल रहा होता है, और इतने लोग होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कब करें कब ना करें. ऐसे सिचुएशन में आप कैसे खुद को फिट रख सकते हो, क्योंकि वर्कआउट की एक ऐसी हैबिट हो गई है ना कि नहीं करो तो एकदम लाइक खुजली होती है कि यार कुछ तो लाइफ से मिसिंग हो गया है. सो रोज मेरे दिमाग में चलता है यार वर्कआउट करना है, वर्कआउट करना है, वर्कआउट करना है. घर पर अगर देखा जाए तो कहीं पर भी स्पेस नहीं है. मैं रिकॉर्डिंग भी कहीं पर भी उठ के कर रही हूँ, लाइक कोई भी एक कॉर्नर सेलेक्ट कर रही हूँ, वहाँ रैंडमली स्टार्ट कर दे रही हूँ, बस दे रही हूँ अच्छा लाइट आ रहा है ठीक है. तो उसी अकॉर्डिंग आपको भी बस समय देखना है, जैसे भी आपको कहीं पे भी टाइम मिले. जैसे कि वर्कआउट करना है ना, तो आप घर में कोई भी छोटा सा कॉर्नर पकड़ लो और वहाँ पे थोड़ा सा ही फिजिकल एक्टिविटी करके एक्टिव रहोगे ना, तो वो आपके लिए थोड़ा भी कैलोरी बर्न कर लेते हो तो वो आपके वेट लॉस जर्नी में एक प्लस पॉइंट करता है. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी खाना खाती हूँ या फिर मॉर्निंग और शाम के टाइम जब भी फ्री होती हूँ ना, मैं छत पे भाग जाती हूँ. ठीक है, आपने देखा होगा वो मैगी वाला शॉट जिसमें मैंने देखा था, मैगी खाने के बाद मैं चली गई छत पे और मैंने पूरा 15-16 हज़ार के स्टेप्स कंप्लीट करे. तो मैं ये चीज़ करती हूँ, आज मैं आपके साथ होम वर्कआउट शेयर कर रही हूँ जो कि आप अपने घर पे रह के किसी भी कोने में घर के या छत में जाके ये परफॉर्म कर लोगे ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा डाइट के साथ अगर आप इन एक्सरसाइज को कर लेते हो तो. सो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन से ये एक्सरसाइजेज हैं और से. तो यार गाइस, विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स जस्ट गेट टू द. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Lions gone and come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back. यहाँ पे हर एक एक्सरसाइज है 30 seconds का, और यहाँ पे एक एक्सरसाइज को आपने ना तीन तीन का रिपीटिशन करना है. जैसे कि आपने एक बार 30 seconds किया, फिर से करना है. ठीक है, और ये एक्सरसाइजेज आपके फुल बॉडी फैट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं और आपको हेल्प करते हैं कि आपका फैट लॉस हो, वेट लॉस हो. ठीक है, हमें लगता है कि हमारा फेस फैट जाए, हमारा आर्म फैट जाए, हमारा ब्रेस्ट फैट या बेली फैट जाए. गाइज, ये एक्सरसाइज मैं आपको जो दे रही हूँ घर पर करने वाले, ये आपकी फुल बॉडी से फैट लॉस करवाते हैं. ठीक है, सो अगर आपका कैलोरी इनटेक ज़्यादा भी होता है और आप ये कार्डियो कर लेते हो ना, तो उसको ये मैनेज करने में हेल्प करता है, आपका वेट नहीं बढ़ता है.
इन एक्सरसाइजेस को करने में हार्डली आपका 30 मिनट 40 मिनट ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सो अगर आप इसमें भी एक्सक्यूजेस निकालते हो और सोचते हो कि पता नहीं मैं ये कर भी पाऊंगी कि नहीं, तो गाइज आप इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है फिर आप कर पाओ, क्योंकि ये ईजिएस्ट सा चीज़ है। 30 मिनट्स इंसान कोई भी निकाल सकता है अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखने के लिए, थोड़ा सा फिजिकली फिट बनाने के लिए। इसीलिए गाइज कितना भी बिजी हो ना, 30 मिनट्स निकाल के ये एक्सरसाइज जो मैंने की है वो आप कर ले, आप देखेंगे कितना एक्टिव, लाइट और हैप्पी फील करेंगे आप, और आपका वेट लॉस जर्नी बहुत स्पीड अप हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने संडे के दिन एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि था इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, बहुत ही भयंकर डाइट प्लान है। अगर आपने उस डाइट के साथ ये एक्सरसाइज कर लिया ना, ये एक्सरसाइज इतने इंटेंस तो नहीं है, बट अगर आपने ये उसके साथ कर लिया ना, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि डाइट थोड़ी सी टफ है, स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा वेट लॉस करने वाली ऑफ कोर्स तो वैसी रहेगी, उसके साथ आप ये एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करें, और ये आप ना फास्टिंग पीरियड में करें, सो डेट कि आपका फैट लॉस, जो फैट बर्निंग प्रोसेस वो और स्पीड अप हो जाए। ओके, सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो आपने पता है कि क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके ग्रुप में एक्सरसाइज करनी है, सो डेट आपको मोटिवेशन मिलता रहे। सो यार गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।